बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पोटली बीफ पुलाव, व्हाइट पोटली बीफ पुलाव। इसके अंदर पोटली बना ली है हमने, दो चमचे इसके अंदर सौंफ डाली है, दो चमचे इसके अंदर हमने साबुत धनिया लिया है, दो प्याज ली है, लहसुन लिया है, अदरक ली है, और यहाँ पर ये एक किलो गोश्त है। और इसके लिए हमने लिए हैं सैला चावल, दो घंटे भिगो दिए हैं। इसके अंदर हम नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला पूरा है, सारा गरम मसाला दो टेबलस्पून है। इसके अंदर इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं, और जीरा, लौंग और काली मिर्ची है। नमक हम डालेंगे यहाँ पर दो चमचे भर के, उसके बाद फिर हम चावल में भी डालेंगे। नमक अपने हिसाब से आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप लेते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जग भर के पानी डालूंगी, डेढ़ लीटर पानी डालूंगी यहाँ पर मैं। और इसे तेज आंच पे रखूंगी, खोल आने के बाद मैं यहाँ पर मीडियम आंच कर दूंगी, और इसे पौन घंटा मैं गलाऊंगी गोश्त को। चिकनाई हड्डी वाला है, बहुत मजे का पुलाव में गोश्त लगता है, चिकनाई हड्डी वाला। ये हमने यहाँ पर पोटली बना के रख दी है, इजीली बनता है पोटली से। जब ये कुक हो जाएगा तो इजीली हम यहाँ से प्याज और लहसुन वगैरह जो चीज़ें हैं ये निकाल देंगे, और उस तरह से पोटली हमारी इजीली हो जाएगी, फिर छानना नहीं पड़ेगा। तो पोटली हम निकाल के फेंक देंगे, सारा रस निकल जाएगा सौंफ धनिये का। इजी रेसिपी है, आप लोग जरूर बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। यखनी हमारी रेडी हो चुकी थी, गोश्त गल चुका है, और यहाँ पर बोटियाँ हमने अलग कर ली हैं, अदरक प्याज और पोटली अलहदा कर ली है, और ये यखनी का पानी है, देखिए हमने चेंज कर लिए। यहाँ पर फ्राई पैन में ऑयल हम गर्म कर रहे हैं, इसमें हम शामी कबाब बनाएंगे। शामी कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पर है। ये यहाँ पर अनियन है, अनियन हमने नॉर्मल ली है, और ये हरी मिर्चें हैं, ये हम भंगार में लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, एक चम्मच हमने ऑयल लिया है, क्योंकि हमारा यखनी में भी हमारा ऑयल है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ये पुलाव बनने वाला है, इसे चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। इसमें फौरन से हम जैसे ही कच्चापन प्याज का ढेर होता है, इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे। तो पहले मैंने पुलाव बनाया था, उसके साथ मैंने बनाई थी दही फुल्कियाँ, बहुत ही मज़े की बनी थी। यहाँ पर हम शामी कबाब बनाएंगे, और पहले भी मेरे चैनल में रेसिपी है पुलाव की, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त बना था पुलाव। ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पुलाव है, पोटली पुलाव है बीफ का वाइट। जैसे ही प्याज थोड़ी सॉफ्टी होती है, इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे, जीरा डालेंगे। जीरा यहाँ पर है दो टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने ये कबाब फ्राई करने रख दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर प्याज हो गई है सॉफ्टी, यहाँ पर मैं जीरा डालूंगी और अदरक लहसुन डालूंगी। भून लेंगे इसे अच्छे से, प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर चावल में कलर जो होगा थोड़ा डार्क हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा पुलाव का कलर। इसमें कलर मैंने प्याज का लाइट ही रखा है। अदरक लहसुन तकरीबन भूनने पे आ चुका है, यहाँ पर मैं गोश्त की बोटियाँ डालूंगी। यहाँ पर गोश्त की बोटियाँ डाल दी हैं, हड्डियाँ बहुत ज़बरदस्त यखनी वाली ये बोटियाँ, पोटली यखनी पुलाव यहाँ पर हम बना रहे हैं। यहाँ पुलाव में आप हरी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली पेस्ट, यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करके और मैं इसे भूनती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं बोटियों के साथ, अब मैं यहाँ पर यखनी का पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने चावल में यखनी का पानी ऐड कर दिया, यखनी ऐड कर दी है। यहाँ पर फ्लेम हम करेंगे हाई, और यहाँ पर हम नमक डालेंगे और इसे चख लेंगे। अपने हिसाब से भी आप नमक रख दे, ज़रूरत जैसा भी आप चाहें नमक रख सकते हैं यहाँ पर। और नमक यहाँ पर यखनी में भी ऐड था, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये कबाब यहाँ पर बनके रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यमी
शामी कबाब है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर रेसिपी है शामी कबाब की, ये देखें बीफ शामी कबाब। यहाँ पुलाव का पानी खुश होते ही यहाँ पर हम तवा लगाया हुआ है, तवा पे हम उसे दम में लगा देंगे। पहले हम पानी को इसको अच्छी तरह से खुश करेंगे, 5 मिनट लगेंगे इसे। हमने आँच जो है वो फुल की है, हाई की है। बहुत जबरदस्त बीफ पुलाव ये यहाँ पर बना है, और ये शामी कबाब है इसके साथ। इसे हम सर्विंग के लिए दस्तरखान पे रखेंगे, अब सर्व करेंगे इसे। और ये यहाँ पर लहसुन की चटनी है, इसमें लहसुन, जीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। पहले की रेसिपी है मेरे चैनल में पुलाव के साथ लहसुन की चटनी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।